ठीक है, तो अगर ऑडियो वीडियो स्क्रीन में कोई दिक्कत आए तो आप जरूर इसको बता सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघायते गिरिं यत्कृपा तब हम वंदे श्री गुरु दीनतारणम्। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब जानते हैं कि जीवन में अलग अलग विषयों के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, टीचर्स की आवश्यकता है, आश्रय की आवश्यकता है। पर कई बार ऐसा होता है कि आश्रय उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना हम सोचते हैं। और एक बात जो कहा जाता है, हिंदी में एक एक्सप्रेशन है, चमत्कार को नमस्कार। यानी हम उसको नमस्कार करेंगे, उसको नमन करेंगे, उस बात को मानेंगे जो अद्भुत हो, अलौकिक हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तब हम उस बात को मानेंगे। एक ऐसा कहावत है हिंदी में, एक एक्सप्रेशन है। तो कई बार बहुत सारे धार्मिक गुरु, खासकर भारत में, खासकर हिंदू हिंदू धर्म में, तो कोई राख बनाना जानते हैं, कोई कैंसर ठीक कर देते हैं, कोई आपका भविष्य बता देते हैं, कोई ग्रहों को बदल देते हैं, कोई तो सौतन से छुटकारा दिलवाते हैं, कोई मनचाहा प्रेम दिलवाते हैं। तो कई प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं के पास भी कई प्रकार के चीजें हैं, या हमें दिखाई जाती हैं एटलीस्ट समाज में। तो इन सब के बीच में एक गुरु का कार्य है क्या? क्या ये सब शक्तियां सच में होती हैं या केवल कहानियां हैं, केवल झूठ है? और क्या किसी के पास ये शक्ति हो जाने से क्या वो व्यक्ति ईश्वर बन जाता है? अष्ट सिद्धि क्या होती है, नव निधि क्या होती है ना? ये सब हम लोग आज चर्चा करेंगे इन सब बातों पे। सबसे पहले कि गुरु बनाने की आवश्यकता है ही क्यों, ये एक प्रश्न कई बार लोग पूछते हैं कि हमें गुरु बनाने की आवश्यकता है ही क्यों। मैं और मेरे भगवान, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूजा ना कोई। तो ये जो गीत जिन्होंने बनाया है मीराबाई, उन्होंने खुद गुरु बनाया, खुद गुरु गुरु की शरण में गई। हाँ, भगवान और हमारा रिश्ता पर्सनल है, उसमें कोई नहीं आता, लेकिन अभी हमें आवश्यकता है उस संबंध तक पहुंचने की, है ना। हम अगर ईमानदार रहें, अगर हम ईमानदारी से बात बोलें, तो हम जानते हैं कि हमारा भगवान से संबंध इस समय गाढ़ा नहीं है, प्रगाढ़ नहीं है, है ना। तो हमको एक हेल्प की आवश्यकता है, हमको एक शरण की आवश्यकता है। इसलिए मुंडक उपनिषद कह रही है आपके सामने श्लोक, क्योंकि बातें शास्त्रों से हो तो अच्छी रहती हैं। तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एव भी गच्छेत समित पानी श्रोत्यम ब्रह्म निष्ठम एवा एवा मीन सर्टेनली, बिना किसी निश्चय, बिना किसी संशय के। अभी गच्छेत, अभी गच्छेत का संस्कृत में मतलब होता है जरूर जाना होगा। मतलब ये ऑप्शनल नहीं है कि जीवन में गुरु बनाना चाहिए कि नहीं, कि हाँ बनाना चाहो तो बना लो, ना बनाना हो तो मत बनाओ। नहीं, अभी गच्छेत मतलब वन मस्ट, व्यक्ति को चाहिए कि वो जरूर गुरु की शरण में जाए। विज्ञान अर्थम, किस लिए जाए? विज्ञान के अर्थ के लिए, यानी कि भगवान जैसे भगवत गीता में बोल रहे हैं, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम। विज्ञान मतलब विशेषेण ज्ञान, विशेष ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के प्राप्ति के लिए गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए, कंपल्सरी। हर एक व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए, हर एक व्यक्ति का गुरु होना चाहिए। और गुरु होना कैसा चाहिए? समित पानी, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए
किस प्रकार से जाना चाहिए, समित पानी ही, विनम्र भाव से जाना चाहिए। हाथ में जैसे बोला गया जंगल की लकड़ी लेकर, मतलब कि बहुत सरल, जैसे वैदिक स्टूडेंट्स होते हैं, कोई हो सकता है राजा का पुत्र हो, कोई बहुत बड़ा सेठ का पुत्र हो, फिर भी गुरुकुल में जाके वही लकड़ी काटनी है, वही झाड़ू पोछा लगाना है, विनम्रता से। श्रोत्यम, गुरु कौन सा होना चाहिए, जो श्रुति को जानता हो। वैदिक शास्त्रों को दो भागों में बांटा गया है, एक होते आगम, एक होता है निगम। निगमस्तु कल्प निगम कल्प तरु, जैसे भागवतम में बोला गया है शुरुआत में। तो आगम मतलब जो इनकमिंग आप कह सकते हैं, और निगम मतलब आउटगोइंग, है ना, उपनिषद और पुराण, तो दोनों को ही श्रुति कहा जाता है। श्रुति मतलब जो श्रवण करके सुन के जिस ज्ञान को लिया जाता है उसे श्रुति कहते हैं। क्योंकि वैदिक टाइम में कोई लिखने की परंपरा नहीं थी अधिक, लोग याद करते थे, रटते थे, तो इसलिए इसे श्रुति बोला जाता है। तो गुरु की पर गुरु की क्या क्वालिफिकेशन है, कौन गुरु बन सकता है, दो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक तो श्रुतियम, श्रुति का उसको ज्ञान होना चाहिए, वेदों का उसको ज्ञान होना चाहिए, है ना। अगर मैं किसी को अपना फिजिक्स का टीचर बनाना चाहता हूँ, केमिस्ट्री का टीचर बनाना चाहता हूँ, उसकी कोचिंग में जाना चाहता हूँ या उसके इंस्टीट्यूट में जाना चाहता हूँ, तो बुद्धिमानी ये है कि ऐसे टीचर के पास जाए जो खुद पीएचडी किया है, मास्टर्स किया है, उस सब्जेक्ट में काफी विद्वान है, तभी तो जाने का कोई अर्थ हुआ। और दूसरा, यहाँ पे केवल थ्योरिटिकल नॉलेज नहीं चलेगा, ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्ञान है, रावण को बहुत ज्ञान था, सारे वेदों का ज्ञान था, लेकिन ज्ञान का एप्लीकेशन भी होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि मुंह में राम और बगल में छुरी, है ना। ब्रह्मनिष्ठम, उसकी जो निष्ठा है, उसका जो फेथ है, उसकी जो श्रद्धा है, वो ब्रह्म परम सत्य के अनुसार होनी चाहिए। मतलब अपना जीवन वो परम सत्य के शिक्षाओं के अनुसार उसे जीना भी चाहिए, और उसके अनुसार उसका भक्ति दिखनी चाहिए। तो दो क्वालिफिकेशन है, एक तो गुरु ज्ञानी हो, हमारी हेल्प कर सके, हमें गाइडेंस दे सके, हमको उचित राह दिखा सके, और दूसरा वो खुद भी उस राह पे चल रहा हो और कहीं हमसे कहीं कहीं ज्यादा आगे हो, ऐसा व्यक्ति को गुरु, उसके हमें ऐसे गुरु बनाना पड़ेगा। अगर हम, कोई कह सकता है कि गुरु बनाने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो शास्त्र में है, मैं गीता भागवत पढ़ूंगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा, भगवान का नाम लूंगा, गुरु बनाने की क्या जरूरत है। बट समस्या ये है, भगवान गीता में बोल के गए हैं सारी गीता का सार। चलिए अनम्यूट करते हैं, कौन बताएगा आप गीता का कौन सा श्लोक है जो गीता का सार है, मतलब गीता का कंक्लूजन, भगवत गीता पढ़ने के बाद आपको ये करना है, बताइए प्रत्यक्ष, बताइए। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जैसे आप कभी किसी पान वाले की दुकान पे जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो कई कई जगहों पे गीता सार लिखा रहता है, गीता का ये सार है, और 10 पॉइंट लिखे रहते हैं, है ना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा, है ना। तो ये सब बातें कहीं गीता में नहीं है। अरे भाई, कोरोना हुआ, लाखों लोग मर गए, अच्छा हुआ क्या? इतने लोग का मर्डर होता है, रेप होता है, अच्छा होता है क्या? और दुनिया नर्क गामी हो रही है, लोग संस्कृति का नाश हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है, ना, लोग पापी बन रहे हैं, ये अच्छा हो रहा है क्या? नहीं, कोई गीता ऐसा कहीं नहीं बोलती है कि जो होगा अच्छा ही होगा। सब डिपेंड करता है आप क्या करते हो, उस पर डिपेंड करता है, कर आपके कर्म के अनुसार वो बनेगा। एज यू सो, सो शैल यू रीप। तो ऐसे ही एक गीता सार जो है, पॉपुलर गीता सार, उसमें एक रहता है, तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। मतलब उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई, तुम्हें एक बिजनेसमैन बनना है, एग्जाम में टॉप करना है, कोई नौकरी चाहिए, कोई छोकरी चाहिए, जो भी चाहिए, तो तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, मेरी बात मान, और फिर क्या होगा, फिर वो होगा जो तू चाहता है। तो ऐसा एग्जैक्ट श्लोक तो गीता में कहीं नहीं है, हाँ उसका अगर कहीं अप्रोक्सीमेट है तो वो यही श्लोक है कि भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन परेशान है कि मैं क्या करूं, मैं अपना
अपना कौन सा धर्म निभाऊं, अपनी कौन सी कर्तव्य को निभाऊं। अगर मैं क्षत्रिय का धर्म निभाऊंगा, अपनी ड्यूटी करूंगा, तो क्या होगा, वंश का धर्म, जो परिवार की जो मेरी जिम्मेदारियां है वो टूट जाएंगी, अपने परिवार को लोग को मारना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्याज, सारे दुनिया भर के धर्मों को छोड़ो, सारे सारे तुम्हारे जितनी भी ड्यूटीज हैं सबको एक तरफ रखो। मैं किसी का पति हूँ, पत्नी हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी देश का हूँ, राष्ट्र का हूँ, ये हूँ वो हूँ, सारी चीजें पहले एक तरफ करो। ये मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्याज, सब कुछ छोड़ो, माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरे पास आओ। तो कोई बोल सकता है अरे अगर हम अपना देश का धर्म नहीं निभाएंगे तो हमें पाप लगेगा, अगर हम अपने पुत्र का धर्म नहीं निभाएंगे हमें पाप लगेगा। भगवान बोल रहे अहम तुम सर्व पापे प्यो मोक्षिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, मां सुचा डरो मत। इसलिए जब आप जाते हैं तिरुपति बालाजी जाते हैं, जो लोग गए हैं या जो भी श्री नारायण के जो दर्शन किए हैं, जिसमें कि उनका हाथ नीचे की तरफ रहता है, ऐसा उनका चतुर्भुज रूप रहता है ना, उसमें एक हाथ इस तरह रहता है, ये बताता है मां सुचा डरो मत, आई एम देयर फॉर यू। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको करो, तुम्हारे जीवन में का ध्यान फिर मैं रखूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मतलब फिर वही होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तेरे लिए अच्छा है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भगवान जरूर कहते हैं गीता में, है ना। तो प्रश्न है हम भगवान की शरण में जाएंगे क्या, लेकिन इस संसार में कोई किसी की शरण में नहीं जाना चाहता है, हर व्यक्ति जो है इस संसार में ईश्वर बनना चाहता है, अहम ईश्वर अहम भोगी गीता में बोला गया है ना। एक जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, दानवी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो ईश्वर, ईश्वर मतलब होता है, ईश्वर मतलब भगवान नहीं है, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, चार लोगों को वो कंट्रोल करता है तो उसका ईश्वर है। जैसे एक घर में हो सकता है एक पिता ईश्वर है, वो बोल रहा है ये खाना बनेगा तो ये खाना बनेगा, बेटा तू मैथ्स, तू 11th क्लास में साइंस लेगा तो साइंस लेगा, भले उसकी इच्छा का आर्ट्स लेने की हो, लेकिन वो ईश्वर है, उसकी बात माननी पड़ेगी, है ना। एक कंपनी में एक बॉस ईश्वर हो सकता है, नहीं काम ऐसे ही होगा, नहीं इसको फायर करेंगे, नहीं इस तरीके से होगा, है ना। एक राज्य में, एक देश में कोई राजा ईश्वर हो सकता है ना। तो बहुत सारे ईश्वर है, बहुत सारे लोग कंट्रोलर है, और हम लोग बड़ा बड़ा ईश्वर बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही है, परम ईश्वर एक ही है, ईश्वर परम कृष्ण, और वो कृष्ण है। बहुत सारे ईश्वर हो सकते हैं, करोड़ों देवी देवता हैं, करोड़ों राजा हैं, बहुत सारे लोक हैं, बहुत सारे लोग, बहुत ईश्वर हैं, लेकिन परम ईश्वर एक ही है, उसमें मल्टीपल नहीं हो सकता। तो बोला जा रहा है कि हम परमेश्वर, हम लोग, हमारे अंदर टेंडेंसी है ना, खुद अपने अंदर झांकी, हम लोग नहीं चाहते मेरे अंदर 100 लोग काम करें, 1000 लोग मुझे रिपोर्ट करें, 10,000 लोग मुझे सलाम दें, 1,00,000 लोग मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक का पेज लाइक करें। हम सब चाहते हैं कि हम सेंटर पे रहें और सारी दुनिया हमको सम्मान दे, प्रेम दे, आनंद दे, लाइक दैट। तो ये ईश्वर भाव हमारे अंदर है इस भौतिक संसार में, ये हमारी बीमारी है, क्योंकि हम ईश्वर है नहीं, है ना। हमारे अंदर एक्चुअली कोई ईश्वरता नहीं है। जब तक मैं कंपनी का बॉस हूं, वो पीऊन आके मेरे को सलाम कर रहा है, चाय पिला रहा है, जिस दिन मैं बीमार हो गया या मैं कंपनी से मुझे निकाल दिया गया, वो पीऊन जो है सामने से दिखेगा भी नहीं, है ना। कल ही हम देख रहे हैं, कल परसों की बात है ना, शिंजो आबे जापान जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कहने पे कितनी बड़ी बड़ी आर्मी काम करती थी, नहीं तो अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो कोई व्यक्ति आ गया उनको मार दिया। तो आप बहुत बेहतरपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं, आप हो सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों ना बन जाएं, जो संसार का सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। जॉन एफ कैनेडी कैनेडी थे, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको मारा नहीं गया, है ना। निक्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी हालत क्या हुई बाद में, उनको जो है सामान्य आदमी की जितनी भी उनको ये नहीं मिलता था, सम्मान नहीं मिलता था। तो आप बहुत बड़े से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, आप इंद्र बन सकते हैं, इंद्रदेव को भी सुअर बनना पड़ा था, पिक्की योनि में आना पड़ा था, ऐसा भी हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी प्रॉब्लम्स ये हैं कि हम लोग किसी के प्रति विनम्र नहीं होना चाहते, शरणागत नहीं होना चाहते, इसलिए भगवान के प्रति हम लोग डायरेक्ट सही भाव नहीं बन पाएंगे। हमें केवल भगवान के प्रति शरणागत नहीं बनना है, सबके प्रति बनना है, धीरे धीरे
इतना आसान नहीं है, पर धीरे धीरे। तो इसलिए हमें एक जीता जी व्यक्ति चाहिए जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हो, भगवान का प्रतिनिधि हो, जिसके प्रति हम शरणागत हो। गुरु वो माध्यम है जिससे हम अपनी शरणागति करते हैं। इसलिए गुरु का जो वचन है उसको ब्रह्म वचन कहा जाता है, कि गुरु ने कहा आपको ये करना है तो आपको ये मानना है कि भगवान आपसे ये करवा रहे हैं, भगवान का आपके लिए आदेश है। इसलिए गुरु बहुत ही क्रिटिकल व्यक्ति है हमारी लाइफ में, सबसे क्रिटिकल। इसलिए गुरु चुनना, एक्चुअली हम गुरु को नहीं चुनते हैं, चुनते गुरु हमें हैं, लेकिन फिर भी बाहरी दृष्टि से गुरु को चुनना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो किस प्रकार का गुरु चुनना चाहिए? शास्त्र बोल रहे हैं, देखिए आप श्लोक, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपष्ट वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। ऐसा व्यक्ति सारी पृथ्वी में, सर्वाम अपीवाम पृथ्वीम सशिष्यात्, वो सारी पृथ्वी में शिष्य बनाने के लायक है, वो जगत गुरु बनने के लायक है ना। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप पे पूछा, आप अपने शिल प्रभुपाद जी के सामने जगत गुरु क्यों लगाते हैं, हमारे फलाना एक्स वाई जेड गुरु जगत गुरु है। तो देखिए वो फलाना एक्स वाई जेड जो गुरु है उनके उत्तर प्रदेश के बाहर एक भी शिष्य नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहर उनको कोई जानता भी नहीं है, लेकिन सारे जगत के वो गुरु हैं उनके मुताबिक। और श्रील प्रभुपाद जिनका दुनिया भर में 2400 घंटे नाम चल रहा है, जहां पे रात है तो कहीं पे दिन है, कहीं पे अटलांटिक तक जहां पे लोग पहुंच गए उनके शिष्य, वो जगत गुरु नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमने उनको किसी को टाइटल दिया है, हम जिसको गुरु बोलेंगे वही गुरु। तो ये है कलयुग। एनीवे, तो गुरु वो है जो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, वचनों पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, क्रोध पे कंट्रोल, जिह्वा पे कंट्रोल, और जो हमने नीचे देखा ब्रह्मनिष्ठ है, कृष्ण के प्रिय प्रिय प्रति उसका प्रेम है, कृष्ण के प्रति भक्ति है। तो होता क्या है कि संसार में बहुत प्रकार के हमको अनाप शनाप गुरु मिलते रहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। अब हम देखते हैं रामायण से उदाहरण। हम किसी मॉडर्न गुरु का नाम नहीं लेंगे, हम कोई फलाना बाबा जी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पर कि भैया वो गुरु सही है कि गलत है। हम शास्त्रों से वो सत्य जानेंगे कि कौन गुरु के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और फिर आप खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, खुद अपने विवेक का प्रयोग कीजिए कि फलाना व्यक्ति सही गुरु है, बहुत अच्छा गुरु है, शुद्ध भक्त है, या फिर भक्त के नाम पर गुरु के नाम पे कुछ और ही है। तो ये आपका कार्य है पता करना। ओ अच्छा, आज इन्होंने ये दूसरा वाला लिंक दिया है, ठीक है 10 मिनट्स के बाद ये क्लोज हो जाएगा, तो आप लोग दोबारा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक को, ठीक है? याद रखिएगा अगर मीटिंग क्लोज हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा सेम। एनीवे, तो रामायण में ये आता है कि आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी को बाण लग गया, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, और अब उनको बचाने के लिए हनुमान जी को जाना है, पर्वत उठा के लाना है ना। तो बहुत डिटेल में वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन रामचरितमानस में शॉर्ट में है, तो हम लोग इससे पढ़ लेते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे बताया भी है ना। तो पॉइंट ये है कि सारे भगवान श्री राम सभी वानरों की, सभी की उम्मीद अभी हनुमान जी से है, कि हनुमान जी को सुबह की पहली किरण के पहले उस विषले कर्दी को या संजीवनी को लेकर आना है और लक्ष्मण जी को अप्लाई करना है ना। इस समय वो लोग अभी लंका में है, 1000 किलोमीटर दूर है हिमालय से, है ना। तो आप सब जानते हैं फेमस कि हनुमान जी ने क्या किया, लेकिन हनुमान जी वहां पहुंचे उसके पहले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई, जिसका आज के टॉपिक से जिसका रेलेवेंस, तो हम लोग उस पे हम लोग जो है पॉइंट पे ध्यान देंगे। तो रामचरण सरिज उर राखी चलह प्रभजन सुत बल भासी उहा दूत एक मर्मु जनावा रावणु काल नेमी ग्रह आवा। तो जब रावण को एक गुप्तचर ने बताया कि राम जो है हनुमान को भेज रहे हैं इस बूटी को लाने के लिए, उस दवाई को लाने के लिए, तब रावण ने क्या किया? तस्मुक कहा मर्मु तेहित सुना पुनि पुनि काल नेमि सिरु धूना देखत तुमही नगरु जिहि जा रा तासु पंथ को रोक न पारा। तो रावण ने देखा, दसमुख दसमुख वाले रावण ने उस मर्म को समझा और उसको बतलाया कि
कालनेमी के पास रावण गया और उसको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, बड़ी मुश्किल से हमने लक्ष्मण को घायल किया है, अब उसका मरना जरूरी है, क्योंकि अगर लक्ष्मण मर गया तो राम का तो वैसे ही जितना भी उसका विश्वास है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, लूज हो जाएगा और हम लोग जीत जाएंगे। तो इसलिए उसने कालनेमी को सारी बात बताई। तो कालनेमी ने जब ये बात सुनी तो बार बार अपना सर पीटने लगा और उसने कहा, तुम हनुमान को रोकना चाहते हो, तुम चाहते हो कि हनुमान को मैं रोक दूं, लेकिन ये देखो वो हनुमान, वो वानर तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी लंका नगरी को जला दिया, तब तो तुम कुछ कर नहीं पाए। तो जब तुम और तुम्हारे इतने बड़े बड़े सेनानी महारथी लोग कुछ नहीं कर पाए, तो मैं अकेला हनुमान को कैसे रोक पाऊंगा। तो कालनेमी ने उसको समझाने का प्रयास किया रावण को कि तुम रघुनाथ जी की शरण लो, भगवान का नाम भजो, भगवान की शरण में जाओ, सीता देवी को लौटा दो। बहुत लोगों ने समझाया रावण को पर वो मानता कहां है, और फालतू की बात छोड़ दो और श्री राम के शरण में जाओ। तो उस समय और उसने समझाया कि ये हनुमान को जो तुम सोच रहे हो कि उसको मैं जाके हरा दूं या उसको मैं रोक दूं, अरे जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, जिसको काल भी नहीं हरा सकता, एक जो समय होता है द ग्रेट टाइम डेथ, वो सबको खा जाती है, सबको निगल जाती है ना। जैसे एक सांप होता है, मान लो यहाँ पर एक मेंढक है, तो सांप क्या करता है, धीरे धीरे मेंढक को निगलता जाता है, धीरे धीरे मेंढक की बॉडी डिसअपियर होने लगती है और फाइनली मेंढक समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग, सपोज अगर हम लोग 60, इंडिया में एवरेज एज है 65, तो अगर आप 65 साल की आपकी एज है तो ऑलरेडी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल जा चुके हैं। ऑलरेडी आपका आधा शरीर, आपका आधा जीवन काल ने खा लिया है, थोड़ा सा और बाकी है। और हम सोच रहे हैं बढ़िया, हम तो बहुत आराम से जीने वाले, नहीं, काल धीरे धीरे हमको खा रहा है और एक दिन खत्म हो जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, पता भी नहीं कि 65 तक जिएंगे कि भी नहीं, वो भी कोई गारंटी नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो काल जैसे सर्प की तरह व्यक्ति को खाता है, ऐसा ये हनुमान जो है उस काल का भी भक्षक है, मतलब उस सांप को भी जो समाप्त कर दे, ऐसा हनुमान है। तो मैं कैसे उससे जीत सकता हूं, ये तो स्वप्न में भी ये सत्य नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब रावण ने बात सुना तो बहुत क्रोधित हो गया और उसने उसने जाहिर किया कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा, जैसे मारिच के साथ हुआ, जैसे मारिच के साथ हुआ वैसे ही कुछ। तो उसने कालनेमी को इस प्रकार से धमकी दी। तो कालनेमी ने विचार किया कि इस दुष्ट पापी रावण के हाथों मरूंगा तो दुर्गति मिलेगी, ना जाने कौन से नरक में सड़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कम से कम हनुमान जी के द्वारा मैं मरता हूं, कम से कम उनके हाथ से मरूंगा, उनको देखते हुए मरूंगा, तो मुझे एक सदगति मिलेगी, श्री राम की कृपा प्राप्त होगी। तो ये सोच के उसने क्या किया, तो हनुमान जी जा रहे हैं, वो हिमालय के पास पहुंचने वाले हैं, तो वहां पर ये कालनेमी ने अपना डेरा जमा लिया। वो तो माया भी है, फटाफट पहुंच गया, हम लोग देखेंगे अष्ट सिद्धियां थोड़ी देर में। तो वहां पर वो पहुंच गया और वो पहुंच कर वहां पे अपनी माया से, माया मतलब इल्यूजन जो सच नहीं है, उसने बहुत सारी चीजें बनाई, एक तालाब बना दिया, एक राम का मंदिर बना दिया, विष्णु मंदिर बना दिया, एक बाग बना दिया। तो हनुमान जी एक लंबी यात्रा करते हुए आ रहे हैं, एक बहुत लंबी जंप ले रहे हैं। तो हनुमान जी ने जब देखा ये सुंदर सा दृश्य तो सोचा कि अरे यहाँ पर तो एक ऋषिवर बैठे हुए हैं, मुनिवर बैठे हुए हैं, तो जाता हूँ थोड़ा जलपान कर लूंगा, थोड़ी थकावट कम हो जाएगी। तो ये सोच के हनुमान जी उसके पास में वहां पर पहुंचे। आप चाहें तो देख सकते हैं पुरानी वाली जो रामायण है रामानंद सागर जी की, उसमें बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया गया है। तो वहां पर पहुंचकर वो थोड़ा सा विश्राम करने के मूड से हनुमान जी वहां पर पहुंचे। तो वो जो कालनेमी है, अच्छा कालनेमी जो लोग जानते होंगे इतिहास, कालनेमी जो है तीनों युगों में उसका बहुत सारा रहा है, कोई बताना चाहेगा सत्ययुग में कालनेमी कौन था, त्रेता में तो आप देख ही रहे हैं, और कलयुग में और द्वापर युग में, कोई बताना चाहेगा। कालनेमी का वर्णन बहुत जगहों पे है स्क्रिप्चर में, आपने भी सुना होगा कई बार, लाइक ही इज वेरी फेमस पर्सन, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है वो, कोई बताना चाहेगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं।
तो सतयुग में हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में कालने में आया था। आप जानते हैं भगवान का अवतार हुआ, भगवान का एक अवतार हुआ वराह देव। तो वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध किया, तो उसका वध जब हुआ तब उसका भाई हिरण्यकश्यपु गुस्सा हो गया। तो बाद में हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की और फिर आप जानते हैं कि फेमस नरसिंह देव आए और उसको मारे लग गए। तो जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तब तो हिरण्याक्ष का एक पुत्र था जिसका नाम था कालनेमि। तो वो भी असुर था, वो भी दानवी प्रवृत्ति का था और वो जो है वो भी विष्णु का विरोधी था। लेकिन उस कालनेमि के 6 पुत्र थे और वो 6 के 6 पुत्र समहाउ किसी भक्तों के एसोसिएशन से किसी तरीके से उनको पता चल गया कि भगवान विष्णु से बैर करना ठीक नहीं है और वो भगवान विष्णु के भक्त बन गए। तो जब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि भाई देखो तुम 6 लोग कितने कितने तुम्हारे अंदर कोई लज्जा नहीं है, अरे भाई तुम्हारा पिता का जो दुश्मन है, तुम्हारे दादाजी को जिसने मारा उस विष्णु का तुम भक्त बन गए, तुम जैसे घटिया लोग हमारे परिवार में नहीं रह सकते। तो हिरण्यकश्यपु ने उनको श्राप दिया कि तुम 6 के 6 लोगों को अगले जन्म में तुम्हारा पिता ही तुम्हें मारेगा, तुम्हारा पिता ही जो है तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ये कालनेमि जो उनका पिता था वो त्रेता युग में भी आया, वो 6 लोग नहीं आए। फिर अगले द्वापर युग में कालनेमि का जन्म हुआ कंस के रूप में। ये कालनेमि कंस के रूप में है और कंस ने जो है अपने ही 6 पुत्र को मारा। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के 6 बड़े भाई थे, देवकी के जो पहली 6 संतानें थी उनको षट गर्भ बोलते हैं, गर्भ में जो 6 बच्चे थे उनको कंस ने मारा जो कि उनके ही संतान थे पिछले जन्मों के। तो वो कालनेमि जो है उसने डिसाइड किया कि बेटर है इस पापी के हाथों मरने से अच्छा मैं हनुमान जी के हाथों से मरे। तो उसने अपना पूरा अपना सेटअप कर लिया, अपने माया जाल बिछा लिया और वो पे वहां पे जाके जो है वहां पे बैठा हुआ था। तो उसने सोचा कि मैं किसी प्रकार से यहाँ पर हनुमान जी को मूर्ख बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने एक साधु का वेश धारण किया हुआ है ना, लंबी लंबी जटाएं हैं, रुद्राक्ष वगैरह पहना होगा, जो भी है आप इमेजिन कर सकते हैं, और राम जी के गुणगान करने लगा। लाग सो कहे राम गुण गाथा, राम की गुण गाथा को वो गा रहा था। तो एक बाहर से आप समझ नहीं पाएंगे कि ये भक्त है कि क्या है, लग ही रहा है भक्त है। और वो गा रहा था, क्या गा रहा था कि राम और रावण में महान युद्ध हो रहा है और जीते ही राम ना संशय या माही, इसमें कोई संशय नहीं है कि राम की ही विजय होगी, राम ही जीतेंगे। और बोल रहे हैं कि यहां मैं देखे देखे बैठे बैठे सब देखता हूं, मतलब अपने आप को बता रहा है कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, यहां से बैठ के मैं देख पा रहा हूं कि युद्ध में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या हो रहा है। इस प्रकार से अपने आप को वो प्रोपगेट कर रहा था, अपने आप को पिक्चराइज कर रहा था। तो जब हनुमान जी उसके पास गए, उससे जलपान मांगा तो उसने अपने कमंडलों में से दे दिया। तो हनुमान जी ने बोला कि मुझे थोड़ा और जल चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, पास में आप तालाब है, वहां आप जाइए और वहां पे स्नान कीजिए, उसके बाद आप लौट के आइए, मैं आपको और ज्ञान दूंगा, दीक्षा दूंगा। हनुमान जी को दीक्षा देने के लिए चल पड़ा। तो जब हनुमान जी उस तालाब में गए, पास में तालाब में गए, तो वहां पर एक मगरमच्छ था, एक फीमेल मगरमच्छ। तो उसने हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास किया, नेचुरली एक मगरमच्छ और क्या करेगा। तो हनुमान जी ने उस समय उसको जो है उसको रौद दिया, उसको मार दिया। तो उसके बाद उसमें से उस मगरमच्छ के शरीर से एक दिव्य देवता के समान व्यक्ति बाहर निकली और उन्होंने बोली कि मुझे एक श्राप मिला था और इस कारण से मेरी ये स्थिति थी, लेकिन आपने आप मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया है। लेकिन उन्होंने हनुमान जी को ये सावधान किया कि आप जिनके पास, आप जिसको गुरु समझ रहे हैं, आप जिसको मुनि समझ रहे हैं, आप जिसको भक्त समझ रहे हैं, वो निशाचर है। निशाचर, निशा मतलब होता है रात, और चरने वाला मतलब जो रात में घूमते हैं खाने के लिए, है ना। तो जंगली जानवर कुछ होते हैं निशाचर, लेकिन यहाँ निशाचर का मतलब है आसुरिक शक्तियां, है ना। तो वो एक निशाचर है, एक असुर है, वो भक्त नहीं है, कोई मुनि नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई ऋषि नहीं है,
मेरी इस बात को आप समझिए। जब हनुमान जी को बात पता चला तो हनुमान जी गए है ना उसके पास गए और बोले कि आप मुझे गुरु दक्षिणा आप दे दीजिए। और उसके बाद जो है मतलब हनुमान जी ने उसको फिर ठीक ठिकाने लगा दिया है ना इस प्रकार से उसको जो है उसको ट्रीट किया। तो कहने का तात्पर्य है कि त्रेता युग का भी एक एग्जाम्पल है कि बात ऐसा नहीं कि अभी कोई खराब गुरु या इस तरह के लोग आने लगे। इस प्रकार की सिचुएशन हमेशा से रही है। तो क्यों लोग इस प्रकार के इस वहम में फंस जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग सिद्धियों के द्वारा बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये सिद्धियों पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे क्योंकि इनसे ही जनरली लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आठ प्रकार की सिद्धियां हैं। सिद्धि मतलब होता है परफेक्शन, यानी किसी एक एस्पेक्ट में व्यक्ति परफेक्ट बन जाए, मास्टर कर ले उसको, है ना। तो आठ ऐसी सिद्धियां हैं जो कि मनुष्य के या सामान्य सांसारिक प्राणी के लिए अद्भुत है। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति ही प्राकम्य ईश्वत्व वशिष्ठव चाष्टः सिद्धः सिद्धयः। इन सबको सिद्धि कहते हैं। एक एक करके हम देखेंगे। पहले अणिमा, तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ एक वीडियो ऑन नहीं था और तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जो योगी होते हैं, जैसे अगर आप गए होंगे खासकर कुंभ मेला में, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का ये दावा होता है कि वो एक बक्से में आप उनको बंद कर दो, हाथ पैर बांध के बंद कर दो और उस बक्से से वो बाहर निकल आएंगे। उस बक्से को आप जो है जमीन में गड़ा दो और वो उससे बाहर निकल आएंगे। ऐसा बहुत बार हिंदुस्तान में बहुत लोग, आजकल बहुत सारे जादूगर लोग भी करते हैं। तो अगर आप कुछ हाथ की सफाई या कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट से कर रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन एक सिद्धि भी होती है जिसको बोलते हैं अणिमा। तो ये सिद्धि प्राप्त करने से व्यक्ति अपने आप को अणु, अणु मतलब होता है मॉलिक्यूल, एटम, यानी कि मटेरियल सेंसेस से बियॉन्ड छोटा बना सकता है, जिसको कि सामान्य चक्षु से देखा भी नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को ला सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिद्धि मतलब कोई इट्स लाइक मार्केट में बिकने वाली चीज है ना। ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए आठ स्टेज होते हैं, अष्टांग योग होता है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार बहुत सारी चीजें पालन करनी पड़ती हैं। तो जिसको अष्टांग योग करना है, पहली बात तो वो शहर में रहकर नहीं कर सकता, उसको सब कुछ छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा और यम नियम बहुत सारे कठोर रूल्स और रेगुलेशन को पालन करना पड़ेगा कि क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है। घंटों घंटों तक उसको मेडिटेट करना है, प्रत्याहार, बहुत सारी चीजें छोड़नी है ना, बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अपनानी है। तो धीरे धीरे करते करते अल्टीमेटली एट स्टेप होता है समाधि। तब व्यक्ति जो है जब सिद्ध हो जाता है तब वो समाधि के लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो ये अष्टांग योग का प्रोसेस है जो कि कलयुग में रिकमेंडेड नहीं है। सत्युग में लोग क्या करते थे अष्टांग योग, क्योंकि आजकल के मनुष्य शरीर में, मनुष्य बुद्धि में, मनुष्य की चेतना में जनरली इस लेवल का है ही नहीं कि कोई अष्टांग योग के बारे में कोई सीरियसली इसको कर सके। तो अष्टांग योग बोलना बहुत आसान है पर करना बहुत कठिन है। तो एनीवे, जो अष्टांग योगी होते हैं उनको एक ये सिद्धि प्राप्त होती है जिसको बोलते हैं अणिमा, व्यक्ति बहुत छोटा हो जाता है। ऐसी होती है महिमा, वो महान बन जाता है, अपने आकार को बढ़ा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हनुमान जी गए लंका, जब समुद्र को वो क्रॉस कर रहे थे, जब जंप कर रहे थे, तो एक राक्षसी उनके सामने आई, सुरसा नाम था, सुरसा या एनीवे शायद सुरसा, तो वो हनुमान जी के सामने आई है ना। और फिर आप पूरा स्टोरी जानते हैं कि उसने अपना मुख बड़ा किया, हनुमान जी ने अपना साइज बड़ा किया, उसने अपना साइज बड़ा किया। तो हनुमान जी अपना साइज बढ़ाते जा रहे थे और वो भी अपना साइज बढ़ा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पास भी सिद्धि थी, हनुमान जी के पास भी सिद्धि थी, उसके पास भी सिद्धि थी, तो दोनों के बीच में कंपेरिजन हो रहा था, कॉम्पिटिशन हो रहा था। तो महिमा, हनुमान जी अपना साइज बढ़ा रहे, इसको बोलते हैं महिमा। लेकिन फिर हनुमान जी ने सोचा कि क्यों अपना समय व्यर्थ करें, तो उन्होंने तुरंत दूसरी सिद्धि का प्रयोग किया। कौन सी? अणिमा, अपने आप को बहुत छोटा बना लिया।
बिल्कुल बहुत छोटा बना लिया, मॉस्किटो के साइज का बना लिया, और वो उसके मुख के अंदर गए, मुख के अंदर रहकर वापिस आ गए। जब तक वो मुख बंद करती तब तक वो वापिस आ गए। तो अपने दोनों कॉम्बिनेशन को उन्होंने यूज किया, अणिमा और महिमा को। तो इस प्रकार से उन्होंने वो उसका जो वादा था, उसकी जो शर्त थी, उसको भी पूरा किया। तो ये एक और सिद्धि होती है ना, इसको महिमा बोलते हैं, है ना। एक गरिमा, मतलब आपने शरीर को बहुत गरित्व बना सकते हैं, बहुत भारी बना सकते हैं, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के गोद में थे, तो उन्होंने देखा कि एक महान तूफान वहां पे आ रहा है। कौन सा तूफान, कौन बता सकता है अनम्यूट करके? एक महान तूफान वृंदावन की ओर आ रहा है। कौन था वो तूफान? अगर आपने भागवतम पढ़ा हो, या कृष्णा बुक पढ़ी हो, या एटलीस्ट लिटिल कृष्णा कार्टून देखा हो, तो भी आपको पता होगा। बताने जाएगा? नहीं? ओके ठीक है। तो तृणावर्त, तृणावर्त, चक्रावर्त प्रभु हाँ। एक असुर था जो कि तूफान के रूप में आया, मतलब हवा के रूप में आया। जैसे जैसे हमारा जो ये पंच तत्व होते हैं, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, हम सब पढ़े ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ऐसे ही पृथ्वी मतलब सॉलिड, है ना, वायु, आकाश, लाइक दैट। तो कुछ लोग का हमारा जो शरीर है, इट्स मेनली सॉलिड एंड इनसाइड इट इज मेनली लिक्विड, है ना। हमारा 75% वाटर होता है, बाहर से इट इज मेनली सॉलिड। लेकिन दूसरे दूसरे प्राणी होते हैं, उनका शरीर में अलग उसका कंस्टिट्यूशन होता है ना। जैसे हम जानते हैं, इवन हमारे प्लेनेट पे भी देर आर फायर बैक्टीरिया। फायर बैक्टीरिया जो होते हैं, वो जो वॉल्केनो है, ज्वालामुखी, उसके कोर में निवास करते हैं। तो पहले के जमाने में जब हम बोल शास्त्र बोलते थे कि सूर्य लोक पर लाइफ है, वहां पे सूर्य देव हैं, तो लोग मजाक उड़ाते थे, अरे सूर्य इतना गर्म है, वहां पे कैसे लाइफ हो सकती है, क्या मजाक ही है। लेकिन आप देखिए, इसी संसार में फायर बैक्टीरिया की खोज हुई है कि नहीं। फायर बैक्टीरिया 3,500 डिग्री सेल्सियस पर भी जीवित रहते हैं। सोचिए, एक मनुष्य अगर 3,500 डिग्री सेल्सियस उसका अगर इमेजिन में करेगा तो जल जाएगा। नहीं, हम तो 35 डिग्री में ही हमारा हालत खराब हो जाती है, 3,500 तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फायर बैक्टीरिया वहां पे पाए गए, तो उनका बॉडी बॉडी जो है वो सॉलिड ज्यादा नहीं है, फायर कंस्टिट्यूएंट है, ऐसा बॉडी है जो फायर के साथ लाइक कंपेटिबल है ना। तो इसी प्रकार से एक डिफरेंट भगवान का अनंत इनकंसीवेबल नेचर है, कैसे उन्होंने उसको बनाया है। तो एनीवे, तो भगवान कृष्ण अपनी माँ के गोद में थे, तो उन्होंने देखा कि ये तृणावर्त जो है, असुर जो है, तृण तृण मतलब होता है ड्राई ग्रास, और आवर्त आवर्त मतलब पर्दा। तो ये जो तूफान जो दिख रहा है, मतलब घास फूस उड़ रही है, इसके पीछे एक असुर है, तृणावर्त असुर, है ना। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि मेरी माँ के साथ अगर मैं रहूंगा तो माँ तो खतरे में आ जाएगी। तो यशोदा माँ के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, गरिमा सिद्धि लगा दी। तुरंत भगवान से ही सारी सिद्धियां आई हैं, भगवान तो योगेश्वर हैं, सारे योगियों के और सिद्धियों के ईश्वर हैं। तो उन्होंने अपना वेट इतना बढ़ा लिया कि यशोदा माँ को लग रहा था कि उनका बालक, वो जो लाला है, वो पहाड़ जितना भारी हो गया है, तो उसको वो उठा ही नहीं पाई। उनको उसे जबरदस्ती रखना पड़ा, उनके हाथ में इतनी क्षमता नहीं थी कि उसको उठा पाए। तो भगवान कृष्ण उस समय भारी हो गए, तो यशोदा माँ ने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ है, मेरी तबीयत खराब है, क्या है। तो वो अंदर चली गई, और जितने में वो अंदर गई, उतने में तृणावर्त वृंदावन में आ गया। और फिर आगे की जानकारी के लिए आप लिटिल कृष्णा देखिए, नहीं तो कृष्णा बुक पढ़िए ना, क्या हुआ फिर आगे। तो एनी में, तो गरिमा अपने आप को बहुत भारी बनाने की सिद्धि। ऐसा होता है लघिमा, लघिमा मतलब अपने आप को बहुत छोटा बना लेना। जैसे बलि महाराज, जो असुर थे बलि महाराज, जिनके लिए वामन अवतार आए, वामन आप जानते हैं, छोटा सा ब्राह्मण जो अम्ब्रेला लेके, आपने देखा होगा कई बार पिक्चर में। तो बलि महाराज के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने देखा कि ये बलि मेरी बात को नहीं मान रहा है, मैं इसको समझा रहा हूँ कि भाई ये कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु है, तेरा सब कुछ ले लेगा, हरि है, छलिया है, सब कुछ ले जाएगा। लेकिन बलि महाराज है कि मानते नहीं। तो शुक्राचार्य ने सोचा कि मैं बलि को ये व्रत, ये प्रतिज्ञा लेने ही नहीं दूंगा कि मैं तुम्हें कुछ डोनेशन देने वाला हूँ। जनरली जब हम कुछ डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, इसके पहले प्रतिज्ञा करते हैं। तो बलि महाराज ने एक कमंडलू मंगवाया कि इस कमंडलू में गंगा जल था, उस गंगा जल को हाथ में लेकर वो प्रतिज्ञा करने वाले थे कि हाँ, इस ब्राह्मण को मैं 3 पग भूमि दान देने वाला हूँ। तो शुक्राचार्य ने क्या किया उस समय, लघिमा लघिमा सिद्धि का प्रयोग किया, और वो उस
उसके अंदर चले गए, उस कमंडल जो था उनका जो जग था उसके अंदर वो चले गए और उसके होल को कवर कर लिया, तो पानी बाहर आ ही नहीं रहा था, गंगा जल बाहर नहीं आ रहा था बहुत बार ट्राई करने पर। तो फिर भगवान वामन ने क्या किया, उन्होंने बलि से बोला महाराज मुझे दिखाइए, छोटा बालक थे वो तो, है ना, महाराज मुझे दिखाइए। उन्होंने लिया तो उन्होंने एक छोटा सा तृण, एक छोटा सी घास उन्होंने उठाई और भगवान वामन ने जो छेद होता है कमंडलों में जो छेद होता है उस छेद से उस ग्रास को इंसर्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य बेचारे एक आंख वाले हैं, उनकी एक आंख भगवान कृष्ण ने, भगवान वामन ने फोड़ दी थी, उनकी एक आंख फूट गई। तो जब उनको इतना दर्द हुआ तो उन्होंने अपनी शक्ति वापस ली और वो दोबारा अपने नॉर्मल फॉर्म पे आ गए। तो इसे बोलते हैं लगीमा, ठीक है। ऐसे होता है प्राप्ति। प्राप्ति मतलब आपकी कहीं जाने की इच्छा है तो आप वहां जा सकते हैं, है ना। जैसे इस संसार में भी मान लीजिए अगर आप एक बिलियनर हैं तो आपके पास खुद का एक मान लो हेलीकॉप्टर है या कुछ है, तो आपको कोई ट्रेन टिकट करने की जरूरत नहीं, कोई फ्लाइट टिकट करने की जरूरत नहीं, जब मन हुआ जहां चले चले गए एक लिमिट तक। लेकिन जो प्राप्ति है ये एक ऐसी सिद्धि है कि साधक जहां चाहे वहां पहुंच सकता है, जैसे नारद मुनि कहीं भी पहुंच जाते हैं। जैसे पहले कार्टून आता था डोरेमोन, उसमें था एनीवेयर डोर, आपकी जहां इच्छा है उस डोर को खोलो आप पहुंच जाओगे, एनीवेयर डोर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा हो। तो एनीवेयर डोर का जो रियल कॉन्सेप्ट है वो है प्राप्ति, है ना। तो जैसे रामायण में आता है कि जब परशुराम ने श्री राम की परीक्षा लेने के लिए उनको विष्णु ध्वज विष्णु धनुष दिया, तो विष्णु का धनुष श्री राम ने ले लिया और उस पर तीर उसको चढ़ा दिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी। तो उस समय श्री राम ने कहा कि देखिए ब्राह्मण, अब मैंने इस पे बाण चढ़ा दिया है, और अब ब्राह्मण यानी कि परशुराम समझ गए थे कि ये तो भगवान विष्णु ही है, क्योंकि और कोई उस धनुष को उठा नहीं सकता था। तो वो हनुमान भगवान राम के सामने उन्होंने सर झुका लिया। तो राम जी ने कहा कि देखो अब मैंने ये बाण चला लिया है, अब लेकिन मैं आपको तो मार नहीं सकता, आप तो ब्राह्मण है, लेकिन अब ये बाण निकलेगा जरूर क्योंकि एक बार चढ़ गया है, तो आप बताइए या तो मैं आपकी जो सिद्धि है ये सिद्धि प्राप्ति इसको मैं समाप्त कर दूं ताकि आप इधर उधर जाना बंद हो जाए, या फिर आपके जो पुण्य है, आपने जो पुण्य किया है, जो आपने इतने समय से जो तपस्याएं की हैं उसका फल मैं ले लूं, बताइए क्या ले लूं। भगवान ने दो ऑप्शन दिए परशुराम को। परशुराम भी भगवान है लेकिन वो शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अंतर होता है। मतलब परशुराम और श्री राम या श्री कृष्ण एक लेवल पे नहीं है। श्री कृष्ण है, श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो भगवान नारायण है, विष्णु है, और परशुराम एक आत्मा है, एक जीवात्मा है जिनको भगवान ने एक विशेष शक्ति दी है, इसको शक्तावेश अवतार कहा जाता है। जैसे सत्ययुग में हुए पृथ्वी महाराज, कलयुग में हुए भगवान बुद्ध, है ना, ये सब शक्तावेश अवतार के एग्जाम्पल्स है, वो कभी और चर्चा करेंगे। तो उस समय जो परशुराम जी ने भगवान राम को कहा कि भगवान आप हमारी सिद्धि मत लीजिए, क्योंकि मुझे, मैं महेंद्र पर्वत पे वास करता हूँ दूसरे प्लेनेट पे, तो मैं यहाँ पे आना जाना मेरा होता रहेगा, इसलिए आप मेरे पुण्य को ले लीजिए, मेरे जितनी तपस्या उसको आप ले लीजिए। तो भगवान ने बाण उनके ऊपर चला दी। तो ये प्राप्ति सिद्धि है ना जो थी परशुराम जी के पास या नारद मुनि के पास। प्राकाम्य, प्राकाम्य मतलब आप जो है कि किसी की बात को, किसी के मन में क्या चल रहा है आप उसको समझ पाते हैं बिना उसके बोले, बोलते प्राकाम्य। और ये सभी सिद्धियों में सबसे इजी है इसको प्राप्त करना, मतलब आठ सिद्धियों में सबसे इजी है। आप सभी बातें नहीं जान पाएंगे लेकिन मोस्टली आप जाते जान पाएंगे। जैसे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था आत्म तत्व दास, वो साउथ इंडियन ब्राह्मण थे और बचपन से उन्होंने नॉर्मल पढ़ाई ज्यादा नहीं की, उन्होंने तंत्र विद्या पढ़ी बचपन से। वो बहुत बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाते थे, रातों में रात भर शमशानों में रहते थे, भूत प्रेत से कैसे बचना है तंत्र विद्या, क्योंकि तंत्र विद्या में बहुत तपस्या चाहिए, घर परिवार सब छोड़ के अजीब अजीब काम करने पड़ते हैं, तो बहुत बड़े तांत्रिक टाइप के थे वो। तो उनको बहुत घमंड था इस बात का क्योंकि उनको प्राकम्य जो ये सिद्धि है ये कुछ हद तक प्राप्त हो गई थी, वो लोगों के थॉट्स भी पढ़ पा रहे थे। जैसे हम लोग के अंदर भी एक एबिलिटी होती है कि भाई अपन सामने वाले को थोड़ा बहुत जज कर पाते हैं, बट हमारा लिमिटेड, हमारा इतना नहीं है, लेकिन कोई साधना करेगा तो और उसमें आगे बढ़ सकता है। तो आत्म तत्व प्रभु जो थे उनके अंदर ये एबिलिटी था कि वो सामने वाले के विचार पढ़ पाते थे, ये क्या सोच रहा है, किस बारे में सोच रहा है, है ना, और कई बार उसका वो सही और गलत दोनों उपयोग करते थे उन्होंने खुद बोला ये बात। तो मतलब उपयोग
करते हैं तांत्रिक लोग किसी प्रकार से, तो इसलिए तांत्रिकों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, दूर से ही प्रणाम कीजिए, उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो एनीवे तो वो गए तो उनको बताया कि ये श्रील प्रभुपाद जो है हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र का प्रचार किए हैं, विदेशों में प्रचार करके आए हैं, ये वो बहुत कुछ लोगों ने बताया। तो वो भी हैरान हो गए, अरे विदेशी लोग को इन्होंने कैसे भक्ति सिखा दी। तो वो प्रभुपाद जी से मिलने गए, 1972 की बात है शायद, हाँ 72 शायद। तो प्रभुपाद अपने रूम पर बैठे हुए कुछ लिख रहे थे, है ना, अपने शायद बुक का ट्रांसलेशन कर रहे थे जो भी, तो बैठ के वो लिख रहे थे डेस्क पर। तो ये आए आत्म तत्व, ये आए और उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके वो बैठ गए और प्रभुपाद जी को घूरने लगे, देखने लगे, प्रयास करने लगे कि ये आदमी क्या सोच रहा है, क्या ये सच में गुरु है या इसके मन में कुछ और ही चल रहा है। वो उसको पढ़ने का प्रयास करने लगे। तो 1-2 मिनट तक उन्होंने प्रयास किया, कुछ हो नहीं रहा था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ वो रीड नहीं कर पा रहे थे। तो प्रभुपाद जो लिखते लिखते ऊपर उठे, उनकी तरफ देखे और बोले, डू नॉट ट्राई दिस ऑन मी, और फिर दोबारा लिखने लगे। प्रभुपाद ने कहा कि तुम मेरे ऊपर ये ट्राई मत करो। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों उन्होंने बोला वो हम आगे जब सारी सिद्धि हो जाएंगी तब बताएंगे, है ना। तो ये पराक्रम ऐसे होता है, ईश्वरत्व, ईश्वर की तरह क्षमता, ईश्वर की तरह आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, मतलब एक लिमिट तक आप कंट्रोलर बन जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए अगर आप पुरंदर बन गए, इंद्र बन गए, तो सारे स्वर्ग पे आपकी शक्ति है, आप जब चाहे बारिश करा दो, आप जब चाहे सूखा करा दो, लेकिन एक लेवल तक, एक पर्टिकुलर लेवल में आप महान कंट्रोलर बन जाएंगे, इसे ईश्वरत्व बोलते हैं। वशित्व, वशीकरण, जैसे आप किसी ट्रेन वेर में जाओ तो ये रहता है ना, बाबा बंगाली, है ना, काला बाबा, ये वाले बाबा, है ना, और साईं बाबा का एक फोटो रहता है, लिखा रहता है वशीकरण, है ना, हमारे यहाँ गारंटेड इलाज होता है, सौतन से छुटकारा, ये छुटकारा, ये वो, और प्रेम, फलाना प्रेम, ये सब लिखा रहता है ना पोस्टर में, और मन चाह आपको जो चाहे मिल जाएगा। तो ये वशीकरण होता है जो वो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि कोई जिसको सच में सिद्धि होगी वो इतना फर्जी काम नहीं करेगा कि भैया पोस्टर वोस्टर टॉयलेट वॉलेट में लगा के, ये सब नहीं करेगा। लेकिन जिनको होती है वो वशीकरण करना जानते हैं, बस वश में करने की एबिलिटी। तो ये सब जो है इसको, ये अष्ट सिद्धियां होती हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, जो इतने उदाहरण दिए, सिद्धि होने का मतलब नहीं है कि व्यक्ति भगवान है, बल्कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर भी अष्ट सिद्धियां होती है। जैसे नारद मुनि, हनुमान जी, आपने पढ़ा है हनुमान चालीसा में, है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, होने की तो बात अलग है, हनुमान जी आपको दे भी सकते हैं, मतलब अगर आप हनुमान जी से रिक्वेस्ट करो तो वो आपको ये सिद्धियां दे भी सकते हैं। तो कोई व्यक्ति आपको तभी वो चीज दे सकता है जब उसके पास वो हो, तभी तो वो देगा, नहीं तो कहां से देगा। तो शुद्ध भक्तों के पास वैसे भी ये सब होता है। तो जैसे हमने उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद जी के पास, लेकिन भक्त जो है सिद्धियों का प्रयोग करना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक तो वो विनम्र होते हैं, वो सोचते हैं मुझे अहंकार आ जाएगा, और दूसरा वो सामान्य जनमानस के लिए उदाहरण सेट करना चाहते हैं कि भाई सामान्य व्यक्ति क्या क्या सीखेगा इससे। अगर सारे जो महान भक्त हैं वो केवल आसमान में उड़ने लगे और ऐसी ऐसी चीजें करने लगे, ऐसी ऐसी बातें करने लगे जो हम सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम उससे क्या इंस्पिरेशन लेंगे, हम उनको क्या फॉलो करेंगे, है ना। इसलिए भक्त लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं, लीलाएं मतलब नाट्य करते हैं, नाटक करते हैं, जिससे हम सीख सकें। जैसे अर्जुन भाई, अर्जुन भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय है, ऐसा कैसे हो गया कि अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया, अर्जुन अपना धर्म भूल गया, लड़ने से इनकार कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, ये एक प्रकार से भगवान की योग माया है जिसके प्रभाव से भक्त जो है ये लीला में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि अगर अर्जुन कंफ्यूज नहीं होता, अगर अर्जुन वो गीता के प्रश्न नहीं पूछता, तो आज करोड़ों करोड़ों लोग हजारों हजारों साल बाद तक कैसे गीता के ज्ञान को समझते हैं। अगर सारे भक्त परफेक्ट होने लगे, हर चीज परफेक्ट करने लगे, तो हमारे लिए क्या उम्मीद है। तो इसलिए शास्त्रों में इम्परफेक्शन के लिए भी जगह है। भरत महाराज, जिनके नाम पे दुनिया को भारतवर्ष कहते हैं, हमारा देश आज भी भारत कहलाता है जिनके नाम पे, उनसे गलती हो गई, विश्वामित्र मुनि से गलती हो गई, इंद्रदेव से गलतियां होती ही रहती हैं या होती रही थी, तो हमें थोड़ा सा मिलता है, हाँ चलो शायद हम, कोई बात नहीं, इनसे भी गलतियां हुई हैं तो हमसे भी हो रही है, तो ठीक है हम लोग भी प्रयास करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो साधकों को, जो प्रैक्टिशनर है, उनको एक प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए सिद्धि होने का मतलब ये नहीं। तो देखिए, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गुरु हैं और रहे हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास सिद्धि है ना। तो हम ये नहीं कह रहे हैं
इस्कॉन ये नहीं बोल रहा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फलाना व्यक्ति झूठ बोल रहा है। हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो, नाटक भी कर रहा हो, और हो सकता है सच में उसके पास सिद्धि कुछ हद तक हो और पूर्णतया भी हो, ऐसा हो सकता है। इट डिपेंड्स। सिद्धि भी ऐसा नहीं कि पूरी सबको एकदम से मिल जाती है, जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम सभी लोग यहाँ पे शुद्ध भक्त हैं, पर भक्ति कर रहे हैं, कोई 1%, कोई 2%, कोई 99%, कोई शुद्ध भक्त बन गया है। तो सिद्धियों का भी परफेक्शन का लेवल होता है ना। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है, अरे फलाना बाबा तो हाथ घुमाते हैं और उससे राख बाहर जाती है, तो हो सकता है कि कॉलर के नीचे भी कुछ रखा हो, जादूगर हो। और हो सकता है जैसे भारत में एक बहुत फेमस जादूगर थे, क्या नाम था भाई का, सरकार, कोई सरकार, तो वो एक फेमस गुरुजी से मिलने गए, पीसी सरकार। पीसी सरकार ना। हाँ अभी उनका बेटा बेटा बहुत फेमस है, पीसी सरकार जूनियर वूनियर कुछ भी है। तो पीसी सरकार बहुत बड़े जादूगर थे, वो इंडिया के एक बहुत फेमस गुरु के पास गए, मतलब लिटरली बहुत फेमस। और वो गुरु जो जी थे वो अपने हाथ घुमा के कुछ सोना लाएंगे, कुछ कुछ भूभूति लाएंगे, कुछ लाएंगे, मतलब सब तरह वो लाते थे पब्लिक में। तो वो उनसे मिलने के लिए गए, तो गुरु जी ने मना कर दिया, हम उनसे नहीं मिलेंगे। तो पीसी सरकार बहुत समय तक ट्राई किए, कुछ महीनों बाद उन्होंने नाम बदल कर एक मीडिया मैन की तरह वहां पहुंचे, और फिर उन्होंने उनको बोला कि गुरुजी आप थोड़ा दिखाइए ना, वो अपना अपने चमत्कार को आप दिखाइए ना। तो उन्होंने दिखाया, कुछ विभूति लाई, कुछ लाया। तो जब वो विभूति लाया, वो गुरुजी जो थे, जब वो विभूति लाए, तो पीसी सरकार जो है पूरा विभूति का ढेर ले आए। वो तो जादूगर, बहुत बड़ा जादूगर है वो भी। जब वो थोड़ा सा सोना लाए, ये इतना बड़ा सोना ले आए, तो बोले कि देखिए आप जो कर रहे हैं वो तो मैं भी कर सकता हूँ, फिर आप कैसे भगवान हो गए, आप तो जादूगर हो। एनीवे, तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, हो सकता है कोई व्यक्ति पब्लिक को ब्लफ करने के लिए कर रहा है, हो सकता है उसके अंदर जेन्युइनली भी कुछ एबिलिटीज हो, है ना। ऐसे कुछ योगी आज भी हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जिनके अंदर सिद्धियां हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि उनके अंदर एटलीस्ट कुछ लेवल तक सिद्धि जरूर है, क्योंकि कुछ वो चीजें ऐसे करते हैं जो नॉर्मली नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो भगवान बन गए, क्योंकि वो सिद्धियां तो आपको भी मिल सकती हैं। अगर हम भी थोड़ा मेहनत करें, अगर हम भी थोड़ा सा इस योग के मार्ग पे सीनियर बने, तो हम भी कर सकते हैं। हमने उदाहरण दिया, शुक्राचार्य के पास वो सिद्धि है, सभी देवी देवताओं के पास ही सिद्धि होती है, इंद्रदेव चाहे तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो खुश है, इट डजेंट मीन दैट दे आर परफेक्टली हैप्पी। इसका मतलब नहीं है कि वो अमर है, एक दिन इंद्र को भी मरना पड़ेगा, शुक्राचार्य को भी मरना पड़ेगा। तो सिद्धि प्राप्त कर लेना और भगवत तत्व प्राप्त कर लेना एक बात नहीं है, है ना। तो ये हमें समझना है, इवन अगर कोई बोले कि हमारे गुरुजी ऐसा चमत्कार करते हैं, अगर वो सत्य भी है, इसका मतलब नहीं कि वो भगवान है। हाँ, वो एक योगी हो सकते हैं, वो एक तांत्रिक हो सकते हैं, वो एक सिद्धि हो सकते हैं, वो एक मुनि हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो भगवान बन गए। अगर वो थोड़ा सा गुण निकालते हैं, है ना, अगर मान लो वो अपने हाथों की सफाई से या अपनी योग सिद्धि से आपको गोल्ड दे सकते हैं, तो थोड़ा गोल्ड क्यों दे रहे हो? भगवान तो गोल्ड की माइन बनाते हैं, आप गोल्ड की माइन क्यों नहीं बना देते? 10-12 गोल्ड की माइन कर दीजिए, इंडिया तो वैसे ही अमीर बन जाएगा। वो मान लीजिए कोई बोले हमारे गुरुजी जो है कैंसर ठीक कर देते हैं, हमारी माँ जो है जिसको गले लगाती है उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो वो तो डॉक्टर भी करता है। बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो अपने इलाज से ठीक कर देते हैं, तो क्या वो डॉक्टर भी भगवान बन गया? नहीं, ये एक सिद्धि है, ये एक एबिलिटी है। तो ठीक है, अगर आप भगवान हैं तो आप मरे हुए को जिंदा करके दिखाइए, है ना। आप बीमार को क्या ठीक करते हैं? और या फिर आप उसको ऐसे गले लगाइए, उसको ऐसी विभूति दीजिए कि कभी वो दोबारा बीमार पड़े ही ना। ऐसी विभूति कोई दे सकता है? नहीं। क्या वो अपने आप को बचा पाए? नहीं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है, विष्णु में और जीव में, भगवान में और भक्त में अंतर होना है, ये अंतर हमें जानना चाहिए, अचिंत्य भेद अभेद। हाँ, प्रेम के कारण भगवान भक्त को अंतर नहीं मानते, वो अलग बात है ना। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरे देश के वो लीडर हैं, सब लोग उनको सलाम कर रहे हैं, सब उनको झुक रहे हैं, लेकिन जब अपने घर में जाएंगे तो जरूरी नहीं कि उनके घर के सब लोग उनको उतना रिस्पेक्ट दिखाएं या फॉर्मेलिटीज करें, है ना। उनकी माँ हो सकता है उनको डांट भी दे, है ना, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां शक्ति या तत्व का विचार नहीं आता। तो ऐसे प्रेम के कारण भगवान जो है, यशोदा माँ उनको डांट रही है, कोई उनको गाली दे रहा है ना, सीता माँ उनको ऐसा बोल रही है श्री राम को, है ना, तो ये सब हो रहा है, लक्ष्मण जो उन पे गुस्सा हो रहे हैं, ये प्रेम के कारण है। लेकिन टेक्निकली कोई भगवान को कुछ टच नहीं कर सकता। टेक्निकली
एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है और बाकी सब दास है, सबके सब, चाहे श्रीमती राधा रानी भी क्यों ना हो। लेकिन ये टेक्निकल बात अलग होती है और प्रेम अलग, क्योंकि जहां पर प्रेम है वहां पे तत्व की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए हमारे परिवार में 5 लोग हैं, सब अच्छे से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो परिवार में आपको पुलिस लगाने की जरूरत नहीं, आर्मी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे नहीं है, इसलिए आपको पुलिस की जरूरत है, आर्मी की जरूरत है ना। तो भगवान के धाम में वृंदावन हो, वैकुंठ हो, वहां पर शक्ति का, तत्व का ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर तो सब लोग वैसे ही शुद्ध हैं, इसलिए वहां पे प्रेम जो है ऐश्वर्य को ढान देता है। लेकिन जहां तक तत्व की बात है तो भगवान से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो इसलिए बहुत सारे गुरु इस दुनिया में है, जिनमें से अधिकतर तो उनके पास सिद्धि है भी नहीं, केवल नाटक है, और अगर किसी के पास सिद्धि है भी तो हम उसको प्रणाम करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं साईं बाबा ऐसे किए, वो खिचड़ी में ये डाल दिए, या विवेकानंद जी ऐसे कर दिए, वो हर चीज याद कर लेते थे, या वो फलाना बाबा जो ऐसे, हो सकता है, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है तो वो महान योगी हैं, महान शक्तिशाली पुरुष हैं, उनको सम्मान है, मान सम्मान है, हमसे बढ़कर है, अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो भगवान बन गए, क्योंकि भगवान भगवान का सिम्टम है, भगवान है नव योग नम चा, भगवान बूढ़े नहीं हो सकते, भगवान बीमार नहीं हो सकते, भगवान का शरीर खत्म नहीं होता, और भगवान जब आते हैं तो अधर्म का नाश कर देते हैं। उस पृथ्वी पर कोई अधर्म नहीं बचना चाहिए जब भगवान आते हैं। ये नहीं कि भैया बाबा चल भी, बाबा का आश्रम बढ़ रहा है लेकिन क्राइम भी दुनिया में बढ़ रहा है, नहीं। अगर आप भगवान हो तो इसी समय भगवान कृष्ण की तरह सबको इकट्ठा करो, मारो, युद्ध कराओ, सबको समाप्त करो, या चैतन्य महाप्रभु की तरह आप सारी दुनिया में ऐसा कुछ प्रचार कर दो कि जो उसको सुनेगा वो शुद्ध भक्त बन जाएगा, ऐसा कुछ करो। तो ऐसा कुछ विशिष्ट विष्णु का तत्व का होना चाहिए गुण, तब उसको माना जाएगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य, यहाँ पर बहुत कम समय, बहुत कम है, तो जो है अगर हमें इस प्रकार के चमत्कारी गुरु मिलते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना यार ये सब झूठ है, सब दिखावा है, हमें नहीं पता, लेट्स बी ऑनेस्ट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और अगर सच में किसी को है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भक्त को किसी चमत्कारी गुरु, किसी चमत्कारी सिद्धि, फलाना बाबा, साई बाबा, ये बाबा, वो बाबा, उनके शरण में जाने की जरूरत नहीं है। हमें विश्वास होना चाहिए, अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पालन। अरे क्या कृष्ण हमें वो नहीं दे सकते, कि जगन्नाथ नहीं दे सकते? आपको पता होगा जो हम लोग जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार से एंट्री करते हैं, इस गेट से, तो जो तांत्रिक लोग होते हैं वो बेस्ट गेट से एंट्री करते हैं। तांत्रिक लोग कभी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करते, वो पीछे से एंट्री करते हैं, वहां पे विमला माँ का मंदिर है, जो योगपीठ है ना, जो शक्तिपीठ है, वहां पे वो जाते हैं, दर्शन करते हैं, अपना काम करते हैं, बलि बलि चढ़ाते हैं कभी कभी और निकल जाते हैं। वो लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं करते, क्योंकि जगन्नाथ का जो तांत्रिक दर्शन करेगा तो तांत्रिक की विद्या हर लेते हैं जगन्नाथ, इसलिए तांत्रिक लोग जगन्नाथ से डरते हैं, वो लोग उनके सामने नहीं जाते, वो पीछे से अपना काम करके निकल जाते हैं। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए, हम भक्ति कर रहे हैं, कि अगर हमारा कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कुछ हमें चाहिए, तो हम कृष्ण को छोड़ के किसी और के पास क्यों जाएं? यानी कृष्ण से ज्यादा हमें किसी और पर भरोसा है, ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ हमें चाहिए भी, अगर हमें कुछ चाहिए भी संसार में, बेटा चाहिए, नौकरी चाहिए, जो भी चाहिए, छोकरी चाहिए, जो भी चाहिए, अगर मांगना भी है, आइडियली तो मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मांगना भी है तो कृष्ण से मांगना चाहिए, जगन्नाथ से, राम से, विष्णु से मांगना चाहिए, और किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों को प्रणाम करना है, रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद फ्यू, फॉलो वन, सबको रिस्पेक्ट करो जो भी जेन्युइन है, भले ही वो तथाकथित निर्विशेषवादी हो, निराकारवादी हो, जो भी हो, लेकिन हमसे बढ़के हैं, ठीक है, प्रणाम है आपको, लेकिन फॉलो हमको भक्तों को करना है, और अल्टीमेटली हमारे गुरु को जो है हमको उनके निर्देश के अनुसार चलना है ना। और जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त, जैसे शिल प्रभुपाद, तो उनके अंदर ये सब क्वालिटी है, लेकिन वो उसको यूज नहीं करते। हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, तुकाराम महाराज है ना, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के हमने देखा, तो वो जो है दुखी हो गया कि मेरा जो है किताब पानी में डाल दी गई। उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे उसके पहले किए थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी किताब को लाना, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया इससे सीखे, तो इसलिए वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो इसलिए है ना, हनुमान जी को क्या जरूरत है उड़ के जाने की, ये सब करने की, वो तो शिव जी के अवतार है, वो तो मन अगर वो सोचेंगे तो रावण की मृत्यु हो जाएगी, केवल सोचने मात्र से लंका समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि राम भक्त को कैसा होना चाहिए। तो इसलिए जो है हमको चमत्कारी बाबाओं से इस प्रकार से डील करना है। पहली बात तो चमत्कार के चक्कर में ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी चमत्कार कर सकता है। आप और मैं भी पहले इंद्रदेव थे,
हो सकता है आप भी इंद्रदेव थे, कोई ब्रह्मा था, कोई बृहस्पति था, हो सकता था हम लोग हमारे इशारों से बारिश करते थे, बंद करते थे, सूर्य उगता था बंद, हमारे इशारों से। आज हमारी हालत क्या हो गई? आप तो सूर्य तो छोड़ दो, हमारा खुद का हाथ भी हमारे इशारों से नहीं उठ रहा है। नहीं तो हम लोग भी देवी देवता थे एक जमाने में, लेकिन हमारी क्या हालत हो गई? इसलिए ये सब चमत्कार, ये जो ऐश्वर्य है, ये लिमिटेड है, इसका कोई इटरनल कोई वैल्यू नहीं है। इटरनल वैल्यू है भावना का, भक्ति का, तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए, उसको हमें लेना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इसके पहले कि ये बंद हो जाए, अगर ये बंद हो जाता है और अगर क्वेश्चंस रहते हैं तो आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक अगर किसी कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी टॉपिक था। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? मैं अनम्यूट कर देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन, ये कमेंट, ये कुछ कमेंट करना चाहते हैं कि भाई आपका कुछ हरे अनुभव कृष्ण रहा प्रभु हो? जी, हरे कृष्ण अरे प्रभु हाँ, जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप बोले कि डेजिग्नेशन, ब्रह्मा जी एक डेजिग्नेशन है ना, शिव जी भी एक डेजिग्नेशन भी है? नहीं, शिवजी तत्व है। तत्व मीन्स इट्स अ फैक्चुअल पोजीशन, मतलब आप और मैं, हम लोग ब्रह्मा बन सकते हैं पर हम लोग शिव नहीं बन जी सकते, ना ही हम विष्णु बन सकते हैं। शिवजी जो है वो स्पिरिचुअल बॉडी है उनका, ही इज नॉट मटेरियल। ब्रह्मा जी का बॉडी भी मटेरियल है, वो फाइन है, मतलब हमारी तरह हार्ड मास का नहीं है, लेकिन वो भी मटेरियल बॉडी है। लेकिन शिव जी जो है वो एक तत्व है, भगवान विष्णु का एक रूप है शिव, तो वो कोई साधारण जीवात्मा नहीं है। तो शिव जी भी भगवान ही है, वो कोई साधारण जीव नहीं है। वो तो ब्रह्मा जी का थाड़ा ऐसे निकले है ना। देखो, आप समझने का प्रयास करो, वो इस दुनिया में ऐसे आए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो वैसे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा अच्छा हूँ, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो वो एक, वो जो है उसकी एक गाड़ी है, और उस गाड़ी से मान लो उसके पिता बाहर निकले, तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि वो उसकी गाड़ी से बाहर निकले तो वो उससे जूनियर है या वो उसके बच्चे हैं। अच्छा हाँ ध्यान 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 तो इस दुनिया में जब हम आते हैं, इस दुनिया में हाँ आने के कुछ रास्ते होते हैं, कुछ चीजें होते हैं। ब्रह्मा जी जो है वो पहले जीव हैं, तो ऐसे तो भगवान विष्णु भी ब्रह्मा जी से आए हैं कई बार, जैसे जी हाँ जी हाँ जी हाँ अपने जी वराहदेव, वराहदेव भी तो हाँ जी ब्रह्मा जी से हाँ आए जी हैं। हाँ जी नाना चाहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्रह्मा जी से जूनियर है या इन्फीरियर है, लगता है। नहीं ठीक है, प्रभु जी, हाँ, शिव जी और सदाशिव, सदाशिव सदाशिव, सदाशिव जो है वो भगवान, भगवान शिव का ओरिजिनल फॉर्म है। शिव, अच्छा सदाशिव, शिव, शंकर और रुद्र सब एक नहीं होता। एक नहीं होते रुद्र, हैं। रुद्र जो है वो कोई जीव भी हो सकता है जिसको शिव की स्पेशल शक्ति मिल गई, जैसे अश्वत्थामा, अश्वत्थामा एक जीव है जिसको शिव जी ने खास शक्ति दी है, तो इसलिए इसको रुद्र बुलाया था। लेकिन रुद्र जो है वो ऑल पावरफुल नहीं है, ऐसा नहीं कि रुद्र कुछ भी कर सकता है, उसकी एक विशेष शक्ति है, वो कर सकता है। तो 11 जो रुद्र होते हैं उनकी कुछ खास शक्तियां, लेकिन शिव जी का ओरिजिनल फॉर्म रुद्र नहीं है, उनका ओरिजिनल फॉर्म है सदाशिव। जैसे प्रभु भगवान जी कृष्ण, भगवान हाँ कृष्ण जी के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं हाँ जी कि हर एक फॉर्म जो है वो ओरिजिनल है, इट डजंट मीन लाइक प्रभु दैट। प्रभु जी, सदाशिव जी श्री कृष्ण जी से क्रिएट हुए हैं ना? सदाशिव जी किसी कृष्ण से क्रिएट, भगवान श्री कृष्ण से चलिए, क्रिएट हुए वो ना? एक अलग टॉपिक हो जाएगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, कोई क्रिएशन नहीं होती, आत्मा ना तो बनाई जा सकती है ना तो मिटाई जा सकती है, वो नहीं हमेशा से है, लेकिन वो समझाने के लिए इस तरह बताया जाता है। वो हम कभी और चर्चा करेंगे, लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड थिंग्स, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जी। एनीवे, तो थैंक यू। और जगनपुर का क्वेश्चन है कि कैन बी वर्शिप बोथ फॉर्मलेस एंड पर्सनल गॉड? हाँ, लाइक भगवान आकार के भी है, साकार भी है और निराकार भी है। ये बात सही है कि भगवान निराकार भी है, भगवान की शक्ति निराकार के रूप में है, लेकिन भगवान खुद गीता में बोल रहे हैं, अव्यक्ति व्यक्ति मापानम मन्नते माम अविद्या। वो कम बुद्धि के लोग हैं जो ये समझते हैं कि पहले मैं व्यक्ति नहीं था और अब व्यक्ति बन गया, मतलब पहले मैं निराकार था और अब आकार ले लिया हूं। तो बुद्धि इसी बात में है, जब हमारे पास शक्तिमान है, जिससे शक्ति आई है, तो बुद्धि इसी बात में है, या ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि शक्तिमान की शरण में जाए।